वेलकम टू टेक एक्सपर्ट, स्वागत है आप सभी का साइंस फनो इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को सरकार बढ़ावा दे रही है। डीजल पेट्रोल की ज्यादा कीमत और बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों का रुझान भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को चलते आज की स्टूडियो में हम दिखाने वाले हैं स्मार्ट स्टाइलिश एंड लो प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। निमोटो सिटी 350 इलेक्ट्रिक स्कूटर। स्पेनिश मैन्युफैक्चरर कंपनी ने निमोटो सिटी 350 नाम से एक लो स्पीड स्कूटर पेश की है। निमोटो जापान की कंपनी सुजुकी की डच सहायक कंपनी है। निमोटो सिटी 350 एक पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो नीदरलैंड में सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है और 2012 के यूरोप के इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता है। निमोटो सिटी 350 स्कूटर में मॉडर्न डिजाइन एंड एक्सलेंट मैन्युवरेबिलिटी है। इसके अलावा निमोटो स्कूटर के फ्रंट में एलईडी हेडलाइट और रियर में एलईडी टेल लाइट्स दी गई है। निमोटो सिटी 350 स्कूटर दिखने में भी स्मार्ट और चलने में भी स्मार्ट लगता है। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस स्कूटर में 350 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। निमोटो सिटी 350 स्कूटर को 35 किलोमीटर पर हर की टॉप स्पीड से दौड़ा सकते हो, इसलिए यह एक लो स्पीड व्हीकल के रेंज में आती है। अपनी आने जाने की जरूरतों के अनुसार ग्राहक दो अलग अलग बैटरी क्षमता के विकल्प को चुन सकते हैं। गाइस, इस स्क्रू में लेड एसिड बैटरी का यूज करते हैं तो इसमें 48 वोल्ट या 12 एच की स्वेपेबल लेड एसिड बैटरी दी गई है जिसे एक बार फुल चार्ज करके 40 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप राइड ले सकते हो। डेडिकेटेड चार्जर के इस्तेमाल से लेड बैटरी को 5 से 7 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। निमोटो सिटी 350 के लिए दूसरा ऑप्शन 15 AH की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी है जिसे एक बार फुल चार्ज करके 50 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप राइड ले सकते हो। लिथियम बैटरी को 2 घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। इस बैटरी को घरों में पाए जाने वाले सामान्य घरेलू सॉकेट के जरिए चार्ज किया जा सकता है। इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पार्किंग में चार्ज लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। कीमत की बात करें तो इस स्क्रोल को आप $650 में खरीद सकते हो। अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो इस स्क्रोल को आप 47,000 रुपए में खरीद सकते हो। मिल्क इलेक्ट्रिक मोपेड। स्टार्टअप कंपनी मिल्क ने स्टाइलिश डिजाइन वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक मोपेड पेश की है। ये मोपेड दिखने में भी स्मार्ट और चलने में भी स्मार्ट लगता है। इसके साथ इस इलेक्ट्रिक मोपेड में एक पेडल असिस्ट दिया गया है। ये मोपेड की ड्राइविंग रेंज को और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यात्रा के दौरान ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार पेडल या थ्रॉटल के विकल्प को सिलेक्ट कर सकता है। इस मोपेड की पिछली सीट को हटाकर कैरियर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रिक मोपेड को निजी आवाजाही के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिल्क इलेक्ट्रिक मोपेड के फ्रंट में एलईडी हेडलाइट और रियर में एलईडी टेल लाइट्स दी गई है। मिल्क इलेक्ट्रिक स्कूटर को कोई भी पर्सन आसानी से राइड कर सकते हैं। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस मोपेड में 350 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर और 80 Nm का टॉर्क दिया गया है। मिल्क इलेक्ट्रिक स्कूटर को 35 किलोमीटर पर हर की टॉप स्पीड से दौड़ा सकते हो। मिल्क इलेक्ट्रिक मोपेड में 48 वोल्ट 12 एच की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जिसे एक बार फुल चार्ज करके 40 से 60 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप राइड ले सकते हो। इस स्कूटर की बैटरी को 4 से 8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस स्कूटर में 2 लोग आसानी से सफर कर सकते हैं, साथ में कंफर्टेबल बैक सीट भी दी गई है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस स्कूटर के फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। डायमेंशन की बात करें तो इस मोपेड की लेंथ 1650 mm विथ 370 mm और हाइट 1060 mm दी गई है। इसके अलावा इस मोपेड के हैंडल में थ्रॉटल दिया गया है। इस मोपेड में 3 मोड दिए गए हैं जिसको आप गियर भी कह सकते हो। इसके साथ ही हैंडल बार में हेडलाइट और स्पीकर बटन भी दिया गया है। मिल्क मोपेड में LCD डिजिटल डैशबोर्ड दिया गया है जिसमें रेंज, बैटरी और स्पीडोमीटर जैसी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा इस मोपेड में की स्टार्ट के साथ रिमोट भी दिया गया है जिसमें अलार्म की, अनलॉक की और लॉक कार की जैसे फीचर्स दिए गए हैं। मिल्क इलेक्ट्रिक स्कूटर को 30 से 40,000 रुपए में खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 2 रीजनेबल प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।